Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. Fourth proportion मालूम करनी है हमें. Let us suppose कर लेते हैं कि fourth proportion x के बराबर है. Find proportion fourth proportion to 2, 3 and 6. तो सपोज कर लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन x के बराबर है. यहाँ पर लिख लेते हैं 2:3 प्रोपोर्शन 6:x. ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. ये वाले दो जो इन पे रेड निशान लगे हुए हैं ये एक्सट्रीम कहलाते हैं और ये दो ये वाली टर्म मीन कहलाती है. इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है. तो ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 2x और ये है प्रोडक्ट ऑफ मीन 3 × 6. तो ये दो इस तरफ जाकर इससे डिवाइड हो गया और x इज इक्वल टू आ गया 9. ये कटेगा तो 2 × 2, 2 × 3 = 6 और 3 × 3 = 9 हो जाएगा. दस द फोर्थ प्रोपोर्शन इज 9. क्वेश्चन 8 डिटरमिन द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 9. 4 और 9 के दरमियान मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है. तो सपोज कर लेते हैं लेट अस सपोज मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x. तो यहां पर 4:x, x:9 होगा. तो यहां पर हम प्रोपोर्शनल बना लेते हैं 4:x प्रोपोर्शनल x:9. उसी फार्मूले के तहत प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x² बन जाएगा और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 4×9 = 36 होता है, 36 बन जाएगा. असल में ये अभी आपने पढ़ना है अलजबरा में, तो फिलहाल आप वैसे ही याद रख लो कि इसका जब स्केयर रूट लिया जाता है तो ये स्केयर खत्म हो जाता है इधर और इसका डिटेल से ये 6 का स्केयर है. ये जो 36 है वो भी 6 का स्केयर ही है. तो वो ये वाला स्केयर और वो 36 वो 6 का स्केयर दोनों ये खत्म होके x = 6 के बराबर आ जाएगा. ये बड़ी डिटेल में आप पढ़ोगे जब अलजबरा अगला चैप्टर है, शायद आठवां चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो अलजबरा में बड़ी डिटेल से ये पढ़ेंगे. फिलहाल आप यही याद रख लो कि ये वाली अलामत जो होती है स्केयर रूट की होती है. वो जब भी स्केयर रूट लिया जाता है तो इसकी ये स्केयर जो है ये खत्म हो जाता होता है और ये भी स्केयर ही है. 6 का ये स्केयर है, 6 का स्केयर 36 होता है. तो ये डिटेल से स्केयर रूट लेना आप सीख लोगे आठवें चैप्टर में. असल में इसने अर्ली बता दिया है आपको, अर्ली क्वेश्चन दे दिया. तो क्वेश्चन 9 इफ 7/13 इज इक्वल टू 14/p फाइंड द वैल्यू ऑफ p. 7/13 इज इक्वल टू 14/p. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 × p इज इक्वल टू 13 × 14. तो p इधर लिखा और ये वाला 7 इधर आके डिवाइड हो गया. 7×1 = 7, 7×2 = 14. 13 × 2 इज इक्वल टू 13×2 = 26. तो p की वैल्यू 26 आ गई है. Exercise 6B, question 10. If Shahida can iron 5 handkerchiefs in 7 minutes, how long will
She takes to iron 35 handkerchief. शाहिदा 5 handkerchief 7 मिनट में इस्त्री कर सकती है. तो 35 रुमाल वो कितने टाइम में इस्त्री करेगी. तो रेशो क्या है 5 और 7. और फर्ज कर लेते हैं कि वो एक्स मिनट में 35 हैंकरचीफ जो है वो इस्त्री कर लेगी. तो यहाँ पर ये देखने की बात है कि जब 5 हैंकरचीफ वो 7 मिनट में आयरन करती है तो जाहिर है कि ज्यादा हैंकरचीफ होंगे तो उसके लिए टाइम भी ज्यादा होगा. तो ये जैसे जैसे हैंकरचीफ बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइम भी बढ़ेगा. तो ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो एक्स और वाई किसी कांस्टेंट के बराबर होता है. उसका मतलब क्या कि एक्स और वाई को हम एक्स को नीचे रखेंगे और वाई एक्स को ऊपर रखेंगे और वाई को नीचे रखेंगे और इधर वाले एक्स को ऊपर रखेंगे और ये वाले वाई को नीचे रखेंगे. यहाँ पर हमने इसको एक्स फाइंड किया हुआ है, एक्स के बराबर रखा हुआ है तो इसको हम नीचे रखेंगे. तो इस फार्मूले के तहत हम हल करेंगे. जब डायरेक्ट हम लगाते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, तो फिर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है. ये हमने रेशो दो क्वांटिटी के दरमियान प्रोपोर्शन को इस तरह लिखा जा सकता है 5:7=35:x. तो क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो x और y के तरीके से हल करेंगे. तो ये x हो गया और ये y हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया. असल में इसको हमें x रखा हुआ है तो असल में ये y है. तो y रख लो या x रख लो कोई बात नहीं है. तो अब हम इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो हल कर लेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की इसको हल किया और 49 आ गया. 5 5 35 5 7 35 7 7 49 आ गया. तो ये 49 x की वैल्यू आ गई. वही x को हमने टाइम के बराबर रखा तो टाइम 49 आ गया. यही हमारा आंसर आ गया है.